जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूं सनी मुदगल और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक और करेंगे इसका फुल वॉक अराउंड रिव्यू। और दोस्तों इस बाइक को लिए हुए हमें 10 से 15 दिन हो चुके हैं। 264 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने इस बाइक को चला लिया है। तो इस बाइक के साथ क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा और स्प्लेंडर पुरानी वाली के अकॉर्डिंग इस बाइक में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इस बाइक में, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअल माइलेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बाइक के लुक और डिजाइन। तो फ्रंट में आप लोग नोटिस करोगे अभी जो है आपको नया स्टिकर देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिलता है। यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर प्लस के आप लोगों को बैचिंग देखने को मिल जाती है, स्टिकर है। और यहाँ पे ये जो आप लोग स्ट्रिप देख रहे हो, ये यहाँ पे जाली आप लोग देख रहे हो, ये हम लोगों ने अलग से इंस्टॉल करवाई थी लेकिन ये टूट चुकी, कंपनी के थ्रू यहाँ पे नहीं आती है। सिर्फ जो हेडलैम्प है वही देखने को मिलता है जो कि हैलोजन है। और यहाँ पे इंडिकेटर पे हम लोगों ने ये जो जाली है वो लगवाई है। ये जो इंडिकेटर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे अपडेट करवाना चाहते हो तो आप लोगों की बाइक में करवा सकते हो। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिल जाए। नंबर प्लेट अभी नहीं है, आप लोग देख सकते हो, तो जैसे ही आएगी वो भी हम लोग लगवा लेंगे। और दोस्तों अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप लोग, मैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है वो एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप लोग फ्रंट वाला ब्रेक अप्लाई करोगे या रेयर वाला अप्लाई करोगे तो दोनों जो ब्रेक है हल्के से अप्लाई हो जाएंगे एक साथ, इससे क्या की जो बाइक है वो स्लिप नहीं होगी। अब यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों को जो वायर है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे दो वायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा तो यहाँ पे एक ही वायर देखने को मिलेगा, तो इससे जो है दोनों ही जो ब्रेक है आप लोगों के जो साथ में लगेंगे तो इससे क्या बाइक वगैरह स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर ग्लासेस की मिरर की, तो मिरर भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पे मिरर की क्वालिटी काफी अच्छी है और आप लोग देख सकते हो इस बाइक का लुक और डिजाइन। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टैंक कवर है ये भी अलग से इंस्टॉल करवा लिया, तो इसका जो यहाँ पे स्टिकर है वो आप लोग देख सकते हो, स्टिकर नहीं है एक्चुअली, जो कलर है यहाँ पे आप लोगों को जो हीरो की बैचिंग है वो देखने को मिलती है जो 3D लोगों में आता है। बाकी यहाँ पे कलर मैं क्या कहूँ आपको, सिर्फ जो ब्लू और जो ब्लैक है यही देखने को मिलता है इसमें, और एक्स्ट्रा तड़क बड़क कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है स्प्लेंडर प्लस और नीचे जो एक्सटेक है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो FI सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों इस बाइक में जो है 4-speed गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं। बाकी लुक आप लोग देख सकते हो। और ये जो बाइक है दोस्तों हम लोगों ने परचेज की है भगवती मोटर से जो कि ताल छापर में है। और अगर आप लोग भी ताल छापर के आसपास से और आप लोगों को ये जो बाइक परचेज करनी है तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनके जो नंबर है वो चेकआउट कर सकते हो। अभी दोस्तों लुक पे वापस आते हैं। तो लुक में देखिए ज़्यादा कोई चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो मेजर जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे LED जो DRL है इसका है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें दोस्तों इस साइड की, यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिए वैसा स्टिकर वगैरह वैसे ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलती है। और एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्रोम के साथ एक मैट फिनिश देखने को मिलती है और क्रोम इस बाइक में रियल में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आप लोग देख सकते हो बाइक में आप लोगों को वैसे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, नॉर्मल कलर वगैरह वही देखने को मिलेंगे। स्टिकर में चेंज हुआ है और जो DRL है वो चेंज हुआ है। अगर बात करें दोस्तों इस बाइक के इंजन की, तो 97.2 cc का आप लोगों को इसमें 2-valve सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो कि 8 BHP के पावर के साथ 8.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड की बात करें तो 100 kmph की जो बाइक है टॉप स्पीड ईजिली अचीव कर लेती है। और अगर माइलेज की बात करें तो एक्चुअल जो माइलेज है इस बाइक का वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 65-68 kmph का। कंपनी क्लेम करती है दोस्तों कि इसमें जो आपको 70+ माइलेज मिलेगा, लेकिन एक्चुअल माइलेज सिटी में या फिर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो आपको 65-68 kmph का इजीली मिल जाएगा। एक अच्छी बात बताऊं आपको, यहाँ पे जो है आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़रूरी है इस रेंज की बाइक में, 100 cc और 125 cc की बाइक में। और मैं तो कहता हूँ यार 150 cc की बाइक में भी किक स्टार्ट आना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं। बात करें दोस्तों आगे के, यहाँ पे आपको स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे वही i3S टेक्नोलॉजी का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है। और इसका जो ग्रैब रेल है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, मतलब आप लोग एक बंदे को पीछे भी बिठा सकते हो। गांव में बैठते हैं ना 4-4, 5-5, वैसे आप लोग एक बंदे को पीछे भी बिठा सकते हो। टायर्स की अगर बात करें दोस्तों तो 80.100 mm के टायर मिलते हैं जो कि ट्यूबलेस आते हैं, आप लोग देख सकते हो 80, मतलब थोड़े पतले हैं। अगर इससे थोड़े वाइल्ड आप लोग करवाना चाहो तो अलग से इंस्टॉल करवा सकते हो। पीछे भी ये जो जाली है हम लोगों ने यहाँ पे लगवा रखी है, ये जो कवर है वो, और ये जो है दोस्तों शोरूम से ही हम लोगों ने इंस्टॉल करवाई थी। तो 300 rupees में फ्रंट बैक और ये जो चारों इंडिकेटर इनकी ये जो जाली है वो हम लोगों ने लगवा ली। पीछे आपको मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्टर लाइट भी आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे साड़ी गार्ड और ले गार्ड है दोस्तों साथ में इंस्टॉल किए हुए आते हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे इनके। और अभी बात करते हैं दोस्तों इसके मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो है
साइड स्टैंड का अभी यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, अगर लगा हुआ है तो आपकी जो बाइक है कैसे ही कर लो स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे इंजन मैन फंक्शन लाइट, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट और यहाँ पे जो लो i3s टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लो बीम हाई बीम इंडिकेटर वगैरह वो सारी जो फीचर है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पीडोमीटर ट्रिप मीटर सारी जो आपको फुली डिजिटल देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो पेट्रोल वगैरह है वो सभी जो फीचर है मैं कहता हूँ वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने जो मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस एक अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आप लोग जो है अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो आपकी जो बाइक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर एक नए और फीचर की बात करें तो यहाँ पे अभी जो है आपको मोबाइल चार्जर देखने को मिलता है इस बाइक में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे जाओगे आपके मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो आप लोग इसमें जो है इजीली चार्ज कर सकते हो। तो बजट बाइक में ये जो चीज़ें आना काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हैंडल बार की बात करें तो लो बीम हाई बीम स्विच मिल जाता है और यहाँ पे टर्न ऑन इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न स्विच मिल जाता है। हॉर्न मैं आपको सुना दूँ, इस बाइक का सिंगल हॉर्न मिलता है इस बाइक में जो कि इतना लाउड नहीं है, लेकिन डेली यूज़ के लिए जो बाइक परफेक्ट है और हॉर्न भी परफेक्ट है। यहाँ पे i3s ऑन ऑफ कर सकते हो आप लोग जो i3s टेक्नोलॉजी है इसको, और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। और सीट हाइट की बात करें दोस्तों, सीट हाइट 810 mm आप लोगों को देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी इसकी कुशनिंग है, मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोग लॉन्ग राइड पर जो है इजिली इस बाइक को लेके जा सकते हो। यार ये तो एक हवा है कि आप लोग सिर्फ 150 cc की बाइक को 200 cc की बाइक को पहाड़ों में लेके जा सकते हो, लेकिन चाहो तो आप लोग 100 cc की बाइक को भी लेके जा सकते हो। तो दोस्तों ये था हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें हम लोग तो इस बाइक के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब ना राइडिंग में दिक्कत हुई, ना माइलेज को लेके कोई प्रॉब्लम फेस हुई और ना ही किसी और चीज़ को लेके प्रॉब्लम फेस हुई। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 88,000 rupees राजस्थान में हम लोगों ने इस बाइक के ऑन रोड पे किए हैं, और अगर अलग अलग स्टेट से आप लोग इस बाइक को लेके तो 1,000-2,000 rupees ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में RTO रेट के जो रेट है वो अलग अलग होती रहती है। तो यही था दोस्तों इस बाइक से जुड़ा एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।